मायूसी की बातें, ये शराब का ग्लास, आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। क्या बात है ऋषभ? मेधा, जब जब जिंदगी किसी मेले से गुजरती है ना, उसके तुरंत बाद मुझे एक कैसे अकेली सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि सारे मेले का नशा ही उतर जाता है, और उसके बाद ये रक्षंदा से झगड़ा कर बैठे हो क्या? अरे अपना झगड़ा तो किस्मत के साथ चल रहा है, इसमें किसी का क्या कसूर। लाख कोशिश कर लूं लेकिन ये दिल, कमबख्त दिल कभी आबाद नहीं होगा। जानती हो मेधा, रक्षंदा से मिलने के बाद मुझे लगा था कि मेरे दिल की तलाश अब पूरी होगी, लेकिन नहीं, वहां भी रुकावटें आ गई। कैसी रुकावटें? मेरे नाजायज भाई करण के दिल का दाखला। क्या? करण भी रक्षंदा को चाहता है? करण जैसे इंसान अपने अलावा और किसी को नहीं चाहते मेरा, किसी को नहीं, सिर्फ मेरा दिल दुखाने के लिए रक्षंदा से दिल लगा रहे, और मेरी मां रंजना देवी अपने उस लाडले के लिए मुझसे कुर्बानी मांग रही। वाह वाह, क्या बात ऋषभ, किसी के दखल से क्या फर्क पड़ेगा? तुम और रक्षंदा तो एक दूसरे को चाहते हो ना, बस काफी है। काफी काफी तो काफी तो हमारा प्यार भी था मेरा, लेकिन क्या हो, वहां भी लोगों का दखल हुआ, और नतीजा के आज तुम मेरे साथ नहीं हो, क्योंकि आज अगर तुम मेरे साथ होती तो मैं इस तरह इस बार में अकेले बैठा शराब न पीता, बस चुका होता। मेरे ख्याल से तुम, मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा पी चुके हो। मेरा कमान, अरे कोई चीज तो जी भर के कर लेने दो मुझे। The night is still young, ladies and gentlemen, cheers. But the heart is still broken. Waiter, one more. ऋषभ, हम कहीं और चलकर बातें कर सकते हैं। नहीं, कहाँ है कोई ऐसी जगह जहाँ दर्द की परछाई मेरे पीछे ना आए? है? चलते हैं। कहीं नहीं जा सकते, बैठो इधर, बैठो। है कोई ऐसी जगह मेधा इस दुनिया में जहां मेरे सुखों पर दुख की परछाई ना मंडरा? है कोई ऐसी जगह? मेधा कहां ले जा रही हो तुम मुझे, बैठो ना। सब लोग सांप की तरह डंक मारकर आराम से बैठ जाते हैं, और ऋषभ मल्होत्रा के होंठ मुस्कुराए तो उसे डंक मार लो। चलो चलो, चलते हैं।